जैसा कॉन्फ्रेंस हुआ, हमारा उस्ताजान भी मौजूद है प्राचीन लेवल पे और काफ़ी दूर दूर इलाकों से हमारा मुख्तलिफ जगहों का उस्ताजान आ चुका है, सीनियर सीनियर उस्ताद जैसा इंटरनेशनल लेवल का भी मौजूद है। इसमें हमारा बच्चों का मुस्तकबिल का उस भी बातचीत हुआ, तो मैं बहुत मशहूर हूँ इन लोगों का कि इस लोगों ने कमेटी टाइम निकाल करके हमारा कस्बा कॉलोनी मंगोपिर रोड एमपीआर कॉलोनी ये उस्ताजान आया है और बच्चों को बॉक्सर एमएमए और कराटे का सिखा रहा है इनको। ये कहना चाहता हूँ अपना इलाके वालों से भी कि आप लोगों को ताउन होना चाहिए इलाके के सतह में, जितने भी ताउन कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जैसा गरीब तबके के लोग यहाँ पर ज़्यादा है, तो इस लेवल पे फीस इस लोगों ने बहुत कम रखा है कि यहाँ पर जो उस्ताद उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको तनख्वाह तक नहीं कवर कर सकते हैं, बिजली के अखराजात भी उठते हैं और इलाके का एमपीए एमएनए लेवल पे जितना भी हमारा हजरात है जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ है उनसे भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी ताउन जारी रखें, ताउन किया करें, क्योंकि वोटों का टाइम में ये लोग आपका काम पे आएगा, ये लोग आपको वोट भी देगा, बच्चों का मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन मौका है। और सब हजरात जितना भी आया हुआ उस्ताजान और जहाँ से भी आया है मैं सबका शुक्र गुज़ार हूँ। मेरा तो ये है ना कि हमारा जो ताजिर बिरादरी है, जैसे यहाँ पर हमारा एक बड़ा अच्छा एनजीओ चल रहा है अलमर के नाम से, बच्चों को तो फ्री तालीम भी दे रहे हैं इसी इलाके एम्पायर कॉलोनी में, तो इस तरीके से हमारा जैसा यहाँ का कम्युनिटी से भी हम दरख्वास्त अपील करूँगा इंशाल्लाह और मैं खुद बैठूँगा ताजर बिरादरी के साथ भी, ताकि उनका ताउन भी आप लोगों के साथ जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो मज़ीद जैसा उस्ताजान का तनख्वाह वगैरह होता है तो इंशाल्लाह हमारा भी ताउन होगा और हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि हमारा इलाके का ताजर बिरादरी से भी हम इंशाल्लाह मीटिंग करूँगा इसी बारे में। इस इजलास का एजेंडा क्या है ज़रा ये बताएं? हमारे इजलास की एजेंडा आज विविनाम मार्शल आर्ट्स सिंध विविनाम मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की एजेंडा था कि हम विविनाम गेम जो है आगे ले जा सके और आगे चला सके और तमाम जितना भी हमारी बच्चे जो है कौम की मुल्क की हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि हमारे बच्चे जो है वो आगे जाए और अपने आप को और उन मुंशियात से जो हमारे माशरे में काफ़ी मुंशियात फरोशी काफ़ी मुंशियात नोशी काफ़ी मुंशियात खोरी भी शुरू हो चुके हैं और है, लिहाजा हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहे और अपने आप को मजबूत रखें ताकि जब हमारी कौम के बच्चे और मुल्क के बच्चे मजबूत रहे तो इंशाल्लाह मुल्क भी मजबूत रहेगा। अच्छा, एसोसिएशन में आपके साथ गवर्नमेंट भी ताउन कर रहे हैं या आप अपनी मदद के तहत ये चला रहे एसोसिएशन? ये एसोसिएशन अभी फ़िलहाल हम अपनी मदद आप पे ताउन कर रहे हैं। मैं सिंध विविनाम एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, लिहाजा अब हम अपनी मदद आप मदद कर रहे और जो आगे गेम की टूर्नामेंट वगैरह है वो भी हम कोशिश करेंगे। हमारे जितना साथी मुखलिस साथी है हमारे साथ शाना बशाना हो करके इंशाल्लाह हमें आगे प्रमोट करने के लिए इंशाल्लाह अज़ीज़ शाना बशाना रहेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के लिए और नौजवान नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम गवर्नमेंट के लिए यही पैगाम देना चाह रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ने क्रिकेट वगैरह को तवज्जो दी है, प्रमोट दे रहे, लिहाजा हमारी मार्शल आर्ट्स को भी तवज्जो दे। वेल, पाकिस्तान विविनाम एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं नदीम कैसर साहब हैं और जो जनरल सेक्रेटरी हैं शफीक कटाना और जो सिंध की हमने विविनाम एसोसिएशन की जो
बॉडी बनाई है, उनके जो सरपरस्त आला हैं अब्दुल वहाब खरोटी साहब और जो सदर हैं हमारे सिंध वेविनाम एसोसिएशन के, वो हैं कुतुबुद्दीन ज़रीनी साहब, और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो गौहर गुल हैं, और जो ट्रेजरर हैं अमरुल्ला हैं। तो सर इस गेम के हवाले से जो आपने ये होदे दी है, ये अभी आपका स्टेशन और किन जगहों पर क्लब्स वगैरह पे ये तरगीब देंगे, इस गेम को आम करने की कोशिश कहाँ कहाँ करेंगे? देखें, आपकी कोशिश कहाँ तक है? अभी तक जो हमारी कोशिश हुई है वो कराची में, हैदराबाद में, नवाबशाह में हुई है, और दीगर साथियों से हवा में रवाबित चल रहे हैं हमारे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी जो है ना बॉडी के जाएंगे। सर ये बता दीजिएगा जो आपकी ये वेविनाम गेम है और बाकी जो दीगर गेम्स होते हैं उनमें ऐसे क्या फ़र्क है, वेविनाम गेम ऐसे क्या खास गेम है, इस हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। देखें वेविनाम खास नहीं, ये बहुत पुराना स्टाइल है, और मिक्स मार्शल आर्ट्स को जो आप लोग नया नाम दे रहे हैं, ये मिक्स मार्शल आर्ट्स में ही ग्राउंड गेम भी है इसी के अंदर, और इसी में स्टैंडिंग गेम भी है। तो एक्चुअली हम मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स को ही बेसिकली प्रोमोट कर रहे हैं, जो कि वेविनाम के थ्रू, जो कि वियतनाम से ये स्टाइल आया है। तो सर आप इस गवर्नमेंट के लिए और हमारे नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिंध गवर्नमेंट से नहीं, मैं तमाम ऑल ओवर गवर्नमेंट्स के जो इदारे हैं उन सब से ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ जिस तरह आप लोग क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, तो क्या सिर्फ स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही है, क्या और कोई स्पोर्ट्स नहीं है? देखें क्रिकेट के मुकाबले में जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उन सब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रुझान है नौजवान तबके का। तो हम दरख्वास्त उनसे ये करेंगे कि काइंडली अगर और कुछ नहीं तो कम से कम छोटे छोटे ओहदों पे ही सही गवर्नमेंट लेवल की नौकरीज उनको जो है ना जॉब्स वगैरह दिए जाएं, या एटलीस्ट उनकी प्रोमोशन के लिए उनको इस तरह सपोर्ट करें कि वो इंटरनेशनली जो मुकाबलों में जाने का उनका सिलसिला हो, तो एटलीस्ट उनको जो एयर टिकट्स